गाजियाबाद की मसूरी थाना क्षेत्र में कल शाम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निचले हिस्से में 13 साल की मासूम बच्चे का शव मिला था। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे। बच्चे की पहचान पास के निवासी नीरज के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 16 साल की नाबालिग को हिरासत में लिया था। पूछताछ में पता चला है कि वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। परिवारजन उसको पढ़ाई के लिए फोर्स करते थे, जिस कारण से उसको लगा कि अगर जो मैं जेल चला गया स्कूल जाने से बच जाऊंगा। इसलिए उसने 3 महीने पहले इससे दोस्ती की थी और रोज शाम इसको मिलने आता था, हमेशा उसके संपर्क में रहता था। 3 दिन से लगातार शाम में उससे मिलने आता था। कल हिम्मत करके इसने उसका गला दबा दिया। पास में कांच की बोतल भी पड़ी हुई थी जो इसने उसके गले में मारी, जिससे उसकी मौत हो गई है। SP देहात इरज राजा का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। परिवारजन द्वारा 2 नाम दिए गए हैं। SP द्वारा आश्वासन दिया गया है यदि कोई और नाम भी सामने आता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। आरोपी से पूछताछ कर मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा।